जशपुर जिले के हाथी बाहुल्य इलाकों में 100% मतदान सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए चुनौती है। इसे लेकर जशपुर प्रशासन और वन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। हाथी बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाथियों पर भी नजर रखी जा रही है और लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है ताकि वे आराम से वोट कर सकें। जशपुर जिले के कलेक्टर रवि मित्तल ने कहा, जशपुर जिले के हाथी प्रभावित बूथों पर प्रशासन और वन विभाग मिलकर काम करेंगे। वहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हाथियों पर भी नजर रखी जा रही है और लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि वे आराम से वोट कर सकें। जी हाँ, जो हमारे हाथी प्रभावित बूथ हैं उस पे जो है प्रशासन जो है वन विभाग जो है सभी मिलकर काम कर रहे हैं और वहां पे लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। साथ ही हमारे पास जो हाथी दल है उनके माध्यम से हाथी पे भी नजर रखी जा रही है और लोगों को इस संबंध में पूरा आश्वासन दिया जा रहा है कि आराम से सुरक्षित माहौल में वो वहां पे मतदान कर सकते हैं। देखिए, वन विभाग की तरफ से ही, क्योंकि वन विभाग के ऊपर इंटीरियर तक के पहुंच रहते हैं, जंगल के अंदर के गांवों तक के पहुंच रहती है, तो जन जागरूकता में तो शामिल है ही वन विभाग साथ में यहाँ पे, क्योंकि हाथी वाला क्षेत्र, हाथी विचरण के क्षेत्र है। आज के डेट में लगभग लगभग 70 से 80 गांव इससे प्रभावित है। तो हमारी रणनीति जिस प्रकार से विधानसभा में थी कि पुलिस और फॉरेस्ट मिलकर जो बूथ है उसके 4 किलोमीटर के दायरे में 2 दिन पहले तैनात होकर हाथी का लोकेशन जिले में डीएफओ को दिया जाता है और डीएफओ उसको एसपी के साथ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ उसको शेयर करके उसमें हम बिल्कुल मॉनिटर रखते हैं कि हाथी कितने दूर में है और बूथ कितने दूर में है। इस प्रकार से पिछले बार हमने इसमें किया था और उसमें हमको पूर्ण सफलता मिली थी। इस बार भी हमारा यही है कि जहां जहां हाथी है जंगल में उसके बीच के गांव को चिन्हांकित करके बूथ के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे से ही हम उसका लोकेशन लेते हैं कि हाथी का अंदर आने की क्या संभावना है। इस प्रकार अगर एक दिन पहले यदि कुछ इस प्रकार की संभावनाएं दिखती है तो उसमें मित्र दल और फॉरेस्ट मिलकर हाथी को जंगल की तरफ ही रखते हैं और ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आए ऐसा पिछले कभी नहीं हुआ और इस बार भी हमारी तैयारी पूर्ण है। फॉरेस्ट और पुलिस मिलकर बिल्कुल सुचारू रूप से इसमें हाथियों का जैसा मूवमेंट प्रति मतलब पूरे साल भर कुनकुरी परिक्षेत्र में रहता है, इस दृष्टिकोण से हमारे जो फॉरेस्ट की टीम है वो लगातार सर्चिंग अभियान में गश्ती दल के रूप में सुबह भोर में भी और शाम को भी गश्ती दल अपने शासकीय वाहन से घूमता है। जो भी हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ हमारे कर्मचारी जाते हैं और वहाँ जो है ग्रामीणों को इस रूप में समझाइश देते हैं कि आप जंगली हाथी से दूरी बना के रखें। वर्तमान में महुआ का सीजन चल रहा है, आप लोग जैसा देख रहे हैं, तो ग्रामीण सुबह भोर भोर में उड़ जाते हैं, इसके बाद जो है चले जाते हैं। कई लोग शौच के लिए चले जाते हैं, कई लोग लकड़ी बीनने के लिए चले जाते हैं और कई लोग अन्य प्रयोजन के लिए भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को ये पता नहीं रहता है कि हम किस क्षेत्र में जाएंगे तो कहाँ पर हाथी से मूवमेंट हो जाएगा। इन्हीं सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी वन विभाग की टीम और हमारे वन विभाग की टीम के साथ साथ हाथी मित्र दल जो सभी ग्रामों में लगभग लगभग बनाए गए हैं उनका सहयोग लेते हुए, ग्रामीणों का सहयोग लेते हुए, वन प्रबंधन समितियों का सहयोग लेते हुए हम लोग हाथी में नजर बना के रखे हैं। अभी आप लोग इधर से आ रहे थे, क्या किस लिए आ रहे थे, क्या देख रहे थे? चुनाव किस तरह की तैयारी? जैसे कि आने वाले समय में आगामी लोकसभा चुनाव 7 मई को मतदान यहाँ होना है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव हुआ था जिसको दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान वन मंडला अधिकारी महोदय बहुत ही इस विषय में गंभीर रहते हैं कि हाथियों से किसी भी तरह से जनहानि न हो और हम लोग इसी निर्देशों का पालन करते हुए, जैसे चुनाव होता है चुनाव के समय जो है मतदान दल भी रुकते हैं, जो जंगल के आसपास भी कई मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन क्षेत्रों में जाके संबंधित कर्मचारियों को हम लोग सजग करते हैं कि आप लोग रात उत में न निकलें। दिन के समय अगर ऐसी कोई आपको पता चलता है ग्रामीणों के माध्यम से या वन विभाग के माध्यम से हाथी आप आसपास में मूवमेंट कर रहा है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखें और हम लोग अपना फोन उन नंबर उनको देते हैं कि आप लोग जो है हम लोग को सूचित करें ताकि आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग सहयोग कर सकें। पिछले बार भी इस तरह के निर्देश थे, चुनाव आयोग के भी निर्देश हैं, हमारे श्रीमान वन मंडला अधिकारी के भी निर्देश हैं और शासन के भी निर्देश हैं कि चुनाव के मतदान दल को और ग्रामीणों को, खासकर ग्रामीणों को जो चुनाव के समय जब मतदान करने अपना जाते हैं तो कई बार आप लोग देखते होंगे कि शाम का समय भी हो जाता है मतदान करते करते, तो जैसे हाथी का मूवमेंट है शाम को निकलता है, हाथी शाम को 5 बजे निकल गया तो कई क्षेत्रों में जंगल से गुजरते हुए ग्रामीण आते हैं। ऐसे क्षेत्रों में हम लोग गश्ती दल बढ़ा देते हैं और जंगल के आसपास लगे हुए जो मतदान केंद्र हैं उसको अपन नजर में बनाए रखते हैं कि किसी तरह का कोई परेशानी ग्रामीणों के साथ साथ मतदान दलों को भी न हो।